अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया है जयपुर स्टाइल दाल गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और इसको तंदूरी रोटी के साथ में खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में तेल को गरम करा है। मैंने लिया है आधा कप तेल और इसको गरम कर लिया है। इसमें डाल देंगे मिला जुला गरम मसाला और एक तेज पत्ता। मसाले को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक काट के डाल दिया है। प्याज को फ्राई कर लेंगे। इधर हमने लिया है आधा किलो मटन, अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल दिया है। हमने ली है 1/4 कप चने की दाल। 2 घंटे भिगोकर हमने इसको बॉईल कर लिया है। ये देखें इस तरीके से बॉईल होनी चाहिए। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। और देखें प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा पानी डालेंगे 1 से 2 चम्मच और 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक को प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो देखिए प्याज को लहसुन अदरक के साथ हमने भून लिया है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे और मटन को भी इसके साथ में हम भून लेंगे करीब 4 से 5 मिनट, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। हम इतना इसको भून लेंगे। जब भी दाल गोश्त बनाएं तो पहले लहसुन अदरक और प्याज के साथ में आप मटन को इस तरीके से भून लें तो बहुत ही टेस्टी बनता है। देखें मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के मुताबिक नमक भी डाल देंगे। मिला देंगे इसको और 4 से 5 मिनट इसको भून लेंगे। तो देखें 4 से 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है। इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद में हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें लगा लेंगे करीब 4 सीटी ताकि जो हमारा गोश्त है वो 80% तक कुक हो जाए। देखें 4 सीटी लग चुकी थी। प्रेशर कुकर का ढक्कन हम हटा लेंगे। गोश्त भी हमारा थोड़ा टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही लिया है मैंने 200 ग्राम और दही के साथ में गोश्त को भून लेंगे। अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाए इतना हम इसको भून लेंगे। तो देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है। गोश्त को हमने दही के साथ अच्छे से भून लिया है। और जो तार है हम इसको अलग निकाल लेंगे क्योंकि जब हम इसमें दाल डालेंगे पीसी हुई तो वो ये सारा रोगन ख़त्म हो जाता है। और ये देखें दाल को हमने पीस लिया है। अब हम इसको गोश्त के अंदर डाल देंगे। मिला देंगे। और जिस मिक्सी के बर्तन में हमने दाल को पीसा था उसमें थोड़ा पानी डालकर हमने इसको इसमें डाल दिया है। मिला देंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे। करीब मैंने 1 कप पानी और डाल दिया है क्योंकि जो दाल गोश्त होता है वो थोड़ा पतला होता है क्योंकि ठंडा होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लग जाता है। तो इसका जो आप ग्रेवी रखें थोड़ी पतली रखें। प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन ढक दिया है। लो फ्लेम पर हम इसको करीब 7 से 8 मिनट पका लेंगे। 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन हम हटा लेंगे। गोश्त अच्छे से पक चुका है। तो देखें हमारा दाल गोश्त बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा पुदीना पाउडर डाल देंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है जब आप इसको डालेंगे। मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला है। बारीक कटा हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे और जो हमने तार निकाल कर रखा था उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। और 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि जो गरम मसाले का, जीरे का, पुदीने का फ्लेवर वो अच्छे से दाल गोश्त में आ जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमारा जयपुर स्टाइल दाल गोश्त बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ में खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।